सो एज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 रिजल्ट आउट, सबके दिमाग में चल रहा होगा कि अब क्या करें. सो आई कम अप विद न्यू वीडियो इन विच आई कैन डिस्कस व्हाट यू शुड डू. सो सबसे पहले मैसेज बीइंग अ एस्पिरेंट मैं पेरेंट्स को देना चाहूंगी कि आपको समझने की जरूरत है कि ये एग्जाम क्या डिमांड करता है. ये एग्ज़ाम सिर्फ बच्चा प्रिपेयर नहीं करता, पेरेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं, और इस टाइम आपके प्रिपरेशन की ज़रूरत है. अपने बच्चे को ये बिल्कुल मत कहेगा कि 14,000 बच्चों ने भी क्वालिफाई करा है, तुमने नहीं पढ़ाई करी, मेहनत नहीं करी तो नहीं हुआ. ऐसा नहीं है, आपका बच्चा बहुत स्पेशल है क्योंकि वो टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए बैठा है. इसके लिए सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है. तो आई एग्री कि पेपर में बहुत सारे आपके होप्स होते हैं, आई टोटली एग्री, बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उनके हार्डवर्क को काफी ज्यादा सराहनीय दीजिए. और गारंटी देती हूँ मैं कि ये एग्जाम में आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा आगे वाले टाइम में. तो जब भी अच्छा करेगा, जब आप उसको प्रॉपर सपोर्ट करोगे, तो आप अच्छे से सपोर्ट करो, उससे बात करो, चल करो, ताकि वो अगले अटेम्प्ट के लिए काफी अच्छे से बैठ पाए. उसको ज्यादा मेंटल ट्रॉमा लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नहीं हुआ, अगली बार पक्का होगा. सो अब मैं उन बच्चों की बात करना चाहूंगी जिन्होंने 23 जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था. तो आपको पता चल गया होगा कि यूपीएससी बहुत अनप्रडिक्टेबल है, और ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस है कि जब आप अगली बार अपना सेकेंड अटेम्प्ट दो तो वो यूपीएससी ऐसा कोई गेम ना करे, वो कोई नेक्स्ट टेक्टिक ले आएगी. बट आपको क्या करना है, अब आपको थोड़े से अपनी स्ट्रैटेजी में ग्रेजुअल चेंजेस करने हैं, एकदम से चेंज नहीं करने, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है. मेंस 24 की तैयारी करनी है, ये नहीं कि प्रीलिम्स की किताबें लेके करनी है, वो हम दिसंबर में सोचेंगे. आपको मेंस की तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा लिखना है, ऑप्शन को बहुत अच्छा करना है. किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना कि कितनी कट ऑफ गई, क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या कट ऑफ रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, बिल्कुल मत सोचो. आपने अच्छा करा है पहले भी और आप अभी भी अच्छा करेंगे, तो आपको ज़्यादा ऐसे यूट्यूब कॉन्ट्रावर्सी और यूट्यूब फालतू वीडियो में घुसने की जरूरत नहीं. आपने अच्छा किया, कोई बात नहीं, इस टाइम थोड़ा सा लक बहुत कम के साथ चला है, नेक्स्ट टाइम आपके साथ हार्डवर्क और लक चल के बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करेगा. तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो अपनी स्ट्रैटेजी को कि ये कमियां रही थी और ये ऐसे इंप्रूव करना है. ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टसल्स में फंसने की ज़रूरत है. अब जिनका एग्ज़ाम सेकेंड अटेम्प्ट था 23 वाला, सबसे पहले ना तो अपनी डेस्टिनी को, ना यूपीएससी को, ना किसी भी चीज़ को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को एनालाइज करो, कहाँ कहाँ गलती रहेगी. फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर ऐसा नहीं आया था, सेकेंड में ऐसा आया है, तो मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. दूसरी बात, अपनी फैमिली से डिस्कस करो कि आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है और आप अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करोगे इस अटेम्प्ट के लिए. पहले मेंटली प्रिपेयर हो, फिर फाइनेंशियली प्रिपेयर हो, और फिर अगले दिन बैठो पढ़ाई करने के लिए. अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं अच्छे से, आपकी सारी सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में, तभी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाएगा. और एक और चीज़ जो मैं मेंशन करूंगी, 70-30 फार्मूला. 70% आपको पढ़ाई में ध्यान देना है और 30% अपने स्किल्स पे ध्यान करना है. स्किल्स माइट बी एनीथिंग, आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं, कुछ फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपके दिन का 30% ही डेडिकेट करना हो. और आपको लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, जो अगर बाई चांस आपका नहीं होता तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हो. सो जितने भी थर्ड अटेम्प्ट हैं या जिनके थर्ड अटेम्प्ट से ज़्यादा हो चुके हैं, उनके लिए एक ही सजेशन है कि आप बैकअप प्लान और प्लान बी पे फोकस करें. सो बेसिकली बैकअप और प्लान बी में डिफरेंस होता है. बैकअप होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में वो चीज़ करने के लिए तैयार हो, बट प्लान बी होता है कि आप कोई और एग्ज़ाम ले रहे हो जिसमें कहीं ना कहीं फिर भी अनसर्टेनिटी होती है. जैसे आप स्टेट पीसीएस दे सकते हो, एसएससी दे सकते हो, और करंट टाइम ईपीएफओ आ रहा है तो आप ईपीएफओ को टारगेट कर सकते हो. इस टाइम आपको दूसरे टाइम अगला टाइम देने से अच्छा आप ये सोचो कि अब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए. कोई भी कोचिंग खरीदने की, कोई भी टीचर की बात इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट सीरीज ले लो. और बेसिकली अभी चलेगा चीज़ की भाई जो फिफ्थ अटेम्प्ट में निकाल दिया, सिक्स में निकाल दिया,
तो बेसिकली सिर्फ अपने कोर्स बेचने के लिए होता है कि 6th अटेम्प्ट तक बच्चे को अपने साथ रखो, ताकि वो इसको इतना एल्योर कर दो कि वो कहीं ना कहीं तो वो कोर्स खरीदेगा खरीदेगा। सो दिस इज माई एडवाइस, आपको सब कुछ पता है कैसे पढ़ना है, कहाँ गलती रह गई इतने टाइम में। अब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ सोचना है, अगर आपका मेन सो रखा है इतने टाइम में, आप किसी कोचिंग सेंटर में ट्राई कर सकते हो, आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हो, कुछ आप और कर सकते हो, बट कोचिंग की तरफ जाना इज नॉट अ आइडियल चॉइस अकॉर्डिंग टू मी। अब जिनके सारे के सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, ऑल अटेम्प्ट एग्जॉस्टेड, तो फर्स्टली हैट्स ऑफ योर डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। आपको इतना ज़्यादा आपने वेट करा, इतनी ज़्यादा आपने UPSC को टाइम दिया, उसके लिए सही में यू गाइस नीड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फर्स्टली। सो बेसिकली UPSC ने आपको बहुत ज़्यादा स्टील बॉडी बना दिया, आपको लोगों की बातें से इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपने सुनने वाले लोग। तो जब आप इस तरीके का करेक्टर आपका बिल्ड हो चुका है, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेसिकली आपको मेहनत करना सिखा दिया UPSC ने, तो अब आप मेहनत आपको आ चुकी है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। जिसको मेहनत करने आता है वो किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकता है, एक्सेल कर सकता है फ्लाइंग कलर से। सो माई बेस्ट विशेज आर विद यू।